और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। सिस्टम सुधार के नाम पर 7 घंटे से अधिक नहीं होगी बिजली गुल, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से ये बड़ी खबर है। आयोग ने उपभोक्ताओं की सेवा से जुड़े जारी किए हैं नए एसओपी। एसओपी में आयोग चेयरमैन श्रीमत पांडे ने समझा उपभोक्ताओं का दर्द। इन नए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में कई तरह के सेवा सुधार के प्रावधान जोड़े गए हैं। शेड्यूल शटडाउन के लिए अधिकतम 7 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है। सप्लाई की बहाली के लिए शाम 6 बजे तक का अंतिम समय निर्धारित किया गया है, यानी सामान्य स्थिति में शाम 6 बजे के बाद बिजली बंद नहीं रखी जाएगी। और साथ ही अनशेड्यूल पावर कट को लेकर भी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए सूचित किया जाएगा। आयोग ने लो करंट समेत अन्य सभी सेवाओं का समय निर्धारित किया है। तय समय में सेवा नहीं देने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना भी मिलेगा। तो दर्द समझा यहाँ पर उपभोक्ताओं का, बिजली को लेकर जिस तरह से दर्द उपभोक्ता समय समय पर व्यक्त करते रहे, और इसी के तहत ही नए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में कई तरह के सेवा सुधार के प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से बड़ी खबर। आयोग ने उपभोक्ताओं की सेवा से जुड़ी जारी किए गए हैं नए एसओपी, और एसओपी में आयोग चेयरमैन श्रीमत पांडे ने समझा है उपभोक्ताओं का दर्द। इन नए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में कई तरह के सेवा सुधार के प्रावधान जोड़े गए हैं। शेड्यूल शटडाउन के लिए अधिकतम 7 घंटे की समय अवधि को इसमें निर्धारित किया गया है। सप्लाई की बहाली के लिए शाम 6 बजे तक का अंतिम समय भी निर्धारित किया गया है, यानी सामान्य स्थिति में शाम 6 बजे के बाद बिजली बंद नहीं रखी जाएगी। और साथ ही अनशेड्यूल पावर कट को लेकर भी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा। और चलिए इस पर बातचीत के लिए समर्थ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बिजली को लेकर जिस तरह से असमय बिजली कटौती होती रहती थी, उपभोक्ताओं का दर्द था, नए एसओपी में इस दर्द को समझा गया है, क्या है नए एसओपी में? राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जिसकी छवि उपभोक्ताओं पर करंट दौड़ाने जैसी बनी हुई थी कि बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर आयोग पर सवाल खड़े थे, लेकिन पहली बार आयोग जो है उपभोक्ताओं की सेवाओं को लेकर फोकस कर रहा है, और उसको लेकर के एक बार फिर से आयोग उपभोक्ताओं के साथ खड़ा नजर आया, जिसमें की नया एसओपी जारी किया गया है। इस नए एसओपी में एक तरफ जहाँ पर सिस्टम सुधार के नाम पर जो घंटों बिजली कटौती होती थी उसको एक तय फॉर्मेट में तय किया गया कि अधिकतम 7 घंटे से अधिक शेड्यूल बिजली कटौती नहीं की जाएगी, और साथ में ये भी कह दिया कि शाम 6 बजे बाद में किसी भी सूरत में बिजली कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि अनशेड्यूल पावर कट अगर होता है तो उपभोक्ता उसकी सूचना दी जाएगी। जो नए एसओपी जारी किए गए हैं उसमें बहुत कई तरह की सेवाएं जो है जोड़ा गया है, जिसमें की नो करंट मीटर के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान या मीटर टेस्टिंग की सेवाएं जो है, ये तमाम तरह की जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं को एक रेगुलेटर के रूप में जोड़ा गया है। साथ में कहा गया कि अगर इस सेवाओं को देने में अगर डिस्कॉम्स अगर नाकाम साबित होती है तो उनको जो बिजली का बिल है उसके अंदर तय फॉर्मेट के अंदर हर्जाना दिया जाएगा। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग हर्जाना तय किया गया है, टाइम बाउंड हर्जाना शुरू किया। पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस तरह का मौका है जब 3 सेवाओं को उनकी जो डिलीवरी समय है उसके आधार पर ऑटोमेटिक जोड़ा गया है, जिसमें कि एक तो नो करंट कंप्लेंट है, एक मीटर से जो बिजली व्यवधान जो होता है वो, और तीसरा मीटर टेस्टिंग, ये 3 सेवाएं हैं जिसको ऑटोमेटिक जोड़ा गया है। यानी कि डिस्कॉम के सिस्टम में अगर ये तीनों जो सेवाएं हैं उनको अगर तय समय अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जाता तो उसके लिए कोई उपभोक्ता को शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। डिस्कॉम अपने खुद के सिस्टम के आधार पर अगर तय समय पर ये सेवाएं नहीं दे पाता है तो उसको अगले बिल के अंदर उसके हर्जाना राशि जो है उसको उपभोक्ता को देनी होगी। ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई। साथ ही और जो सेवाएं हैं उनको लेकर के भी जो टाइम बाउंड जो उनको सेवाएं पहले दी गई थी उसको भी आधा कर दिया गया है। साथ ही जो हर्जाना है उसको 1.5 गुना किया गया है, यानी कि तय समय से भी कम समय के अंदर डिस्कॉम को उपभोक्ताओं को सेवा देनी होगी, और अगर इतना सेवाएं नहीं दी पाएगी तो उनको हर्जाने के रूप में 1.5 गुना तक जो है पेनल्टी देनी पड़ सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।